जी साहब पढ़ने ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है, पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है। पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछा कर। बहुत तकलीफ है तो तीन पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन तीन पाठ रोज करो, एक पानी का लोटा, कलश तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठ कर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो, उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल ही कर जाएंगे, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का वो लौंग अपने हाथ में रखें, अपने साथ रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्य।